और ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो होता है, इट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर बेंजीन में नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ इसको हीट किया हुआ है। कंसेंट्रेट HNO3 और कंसेंट्रेट H2SO4 का जो मिक्सचर होता है ये कहलाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और जब नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ में आप बेंजीन को हीट करोगे देन यू विल गेट नाइट्रोबेंजीन। आप देख पा रहे हैं कि बेंजीन के H को नाइट्रो ग्रुप ने रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, इसलिए बनाया आपका नाइट्रोबेंजीन। रिएक्शन का टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन कहलाती है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन बेंजीन से कैसे बनता है देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो आइए जानते हैं कि यहां पर नाइट्रेटिंग मिक्सचर के अंदर कंसेंट्रेट H2SO4 और कंसेंट्रेट नाइट्रेटिंग जो यहां पे मिक्सचर बन रहा है इसमें किसका क्या रोल है। तो आइए देखिए, ये है आपका HNO3, थोड़ा सा मैंने ऐसे लिखा है, आप देखिए, और ये है आपका कंसेंट्रेट H2SO4, इसको मैंने ऐसे लिखा है। अब होता क्या है कि आप जानते हैं यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ये बॉन्ड पोलर होता है। अब यहां से ये जो आपका ऑक्सीजन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा जिससे क्या होगा OH- यहां से अलग होके और यहां से H+ निकलेगा वाटर, और साथ में क्या मिलेगा देखिए NO2+ NO2+ बना आपका, और ये है आपका जी हाँ नाइट्रोनियम आयन पॉसिबल इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा बनेगा यहां पे आपका OSO3H बाइसल्फेट एनायन बोलते हैं इसको, और साथ में बनता है वाटर साइड प्रोडक्ट, आप देख पा रहे हैं। तो पहले स्टेप में हमारा जो बना है इलेक्ट्रोफाइल उसका नाम होता है नाइट्रोनियम आयन, शायद ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप टू लेते हैं। स्टेप टू तो आप जानते हैं स्टेप टू में क्या होता है भाई, स्टेप टू में होता है सर जनरेशन ऑफ एरिनियम आयन, जनरेशन ऑफ एरिनियम आयन। तो भाई हमको बनाना है एरिनियम आयन, या इसका दूसरा नाम होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो हम दूसरे स्टेप में ही बनाएंगे। आप जानते हैं ये बनाने के लिए बेंजीन अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, तो इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है नाइट्रोनियम आयन, और बेंजीन जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच है ड्यू टू रेजोनेंस। तो देखिए यहां से ये इस पे अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो नाइट्रोनियम आयन जो है वो बेंजीन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, और जो बॉन्ड बनाएगा तो आपको एक अनस्टेबल, एक लेस स्टेबल आपको यहां पर बनेगा एरिनियम आयन। देखिए क्या होता है, ये हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, ये देखिए ये कहलाता है आपका एरिनियम आयन। और बच्चों एरिनियम आयन जो होता है ये लेस स्टेबल होता है, एरिनियम आयन इज लेस स्टेबल। भाई लेस स्टेबल क्यों, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है, इसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है। आप देख पा रहे हैं बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड जो है वो लूज हो गया है, नहीं रहा है। अब बात करते हैं स्टेप थर्ड की और फाइनल स्टेप की। तो बच्चों स्टेप थर्ड में क्या होता है कि जो आपका एरिनियम आयन बना है इसमें होता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन। तो इसमें होता है बच्चों एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन, यानी कि H+ बाहर निकलेगा। भाई H+ कहां से निकलेगा, एरिनियम आयन से निकलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एरिनियम आयन जो है वो लेस स्टेबल है, और स्टेबल होने के लिए उसको अपना चार्ज खत्म करना पड़ेगा। उसको अपना चार्ज खत्म करना है तो सर यहां से एक ही उपाय है कि ये H+ निकले। तो H के इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा, और H यहां से बाहर निकलेगा H+ फॉर्म में। अब इसको लेने के लिए कौन आता है, देखिए HSO4- जो आपने ऊपर बनाया था। चलिए मैं दोबारा इसको लिखता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैं इसको फिर से लिखता हूं OSO3H-, ये आपका लुईस बेस है, ये इस H+ को पकड़ेगा, O-H+ यहां से, बोले क्या निकलेगा H2SO4, और भाई क्या बन गया, भाई वापस आ गया आपका बेंजीन, और बेंजीन में लगा है नाइट्रो ग्रुप, तो नाम क्या बोलेंगे, नाइट्रो बेंजीन। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट।
तो इस रिएक्शन में दो ही चीजें बनी है, ध्यान से देखिए, नाइट्रोबेंजीन और वाटर। तो आप देख सकते हैं कि मैकेनिज्म से क्लियर हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा है, नाइट्रोबेंजीन कैसे बन रहा है, तीन स्टेप में बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो यहां से बनता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर में किसका क्या रोल होता है, इस पर क्वेश्चन आता है, आता रहेगा। ध्यान से देखिएगा, वो पूछता है कि यहां पे इन दोनों में कौन लुईस एसिड है या कौन एसिड है तो कौन बेस है। तो आप देख सकते हैं कि जो लोन पेयर दे पा रहा है वो लुईस बेस यानी नाइट्रिक एसिड, और जो लोन पेयर ले रहा है वो H2SO4 का पार्ट है। तो H2SO4 का जो रोल यहां पे होता है वो एसिड का होता है, और नाइट्रिक एसिड का रोल यहां पे लुईस बेस का होता है, जिससे पॉसिबल नाइट्रोनियम आयन बनता है जो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल है। अभी नाइट्रोनियम आयन के ऊपर बेंजीन अटैक करेगा जिससे बनेगा लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स, नाम है एरिनियम आयन। एरिनियम आयन के बाद में से यहां से H+ निकलेगा और फाइनली बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो दिस इज द होल ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोबेंजीन, देखिए समझिए और आगे बढ़िए। नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन था कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में अगर आप इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर के अंदर KHSO4 को ऐड करते हैं तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, नाइट्रेशन विल बी घटेगा, बढ़ेगा, डबल होगा, स्लो होगा, अनचेंज होगा, ये क्वेश्चन था। यानी कि ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करा रहे हैं, बेंजीन का रिएक्शन नाइट्रेटिंग मिक्सचर से कराया और बना हमारा नाइट्रोबेंजीन, और वो कह रहा है कि इसके अंदर KHSO4 मिला दीजिए, इसमें ये इसको ऐड कर दीजिए तो रेट क्या होगा, ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको उसका मैकेनिज्म आना चाहिए जो इससे पहले हमने डिस्कस किया है, उसमें एक स्टेप याद कीजिएगा। उसमें स्टेप था कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो होता है वहां पर आपका नाइट्रोनियम आयन बनता है। तो थोड़ा देखिए क्या था रिएक्शन, एक बार फिर से याद दिलाता हूं मैकेनिज्म आपको। आप देखिए ये था आपका मैकेनिज्म और ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे था वहां पर, और इससे क्या बना था, इससे बना था हमारा वाटर, ये देखिए नाइट्रोनियम आयन, ये बना हमारा नाइट्रोनियम आयन, ये बना हमारा बाइसल्फेट। तो वहां पे हमने लिखा था ओ, देखिएगा ओ SO3H, हमने लिखा था ओ SO3H और माइनस चार्ज कैरी करेगा और साथ में वाटर बनेगा। बच्चों अगर आप कहें तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको अगर आप कहें तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं HSO4-, तो हाँ शायद ये सही है, ये बाइसल्फेट आयन है, ये बाइसल्फेट आयन है और ये बनता है इस रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन में दो आयन बनते हैं और ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर रहता है, नाइट्रोनियम आयन और बाइसल्फेट आयन। अब आप इसमें ऐड कर रहे हैं KHSO4, तो चलिए आइए देखते हैं। KHSO4 इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर है, जब ये जाएगा इस मिक्सचर के अंदर तो ये कोज करेगा के आयन, और क्या कोज करेगा, HSO4-। अब सर देखिए यहां पर ये ऊपर से आपको मिला है, ये आपको ऊपर से मिला है और ये आपको ऐड जो किया है आपने उससे मिला है, तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया कॉमन आयन इफेक्ट। और जब ये कॉमन आयन इफेक्ट बन जाएगा तो जो आपका इक्विलिब्रियम है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि देखिए यहां पर ये नाइट्रोनियम आयन और वाटर और बाइसल्फेट था, आपने ये ऐड किया, इससे आपको बाइसल्फेट और ज्यादा मिल गया, इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ये कहलाता है कॉमन आयन इफेक्ट, और उससे इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा किस डायरेक्शन में जी, बैकवर्ड। जब ये बैकवर्ड जाएगा तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन है ये कम हो जाएगा, नाइट्रोनियम आयन आपको कम मिलेगा तो रिएक्शन भी स्लो हो जाएगा। तो बताइए आंसर क्या होगा, डबल होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नाइट्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो आंसर एक ही है सर, क्या होगा, रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोनियम आयन कम हो रहा है, क्योंकि रिएक्शन जो है बैकवर्ड जा रहा है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैकेनिज्म जो हम लोग समझते हैं थोड़ा बोरियत होती है कि ये सर क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो। अरे भाई ये क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जामिनर के, ये आपको एवरेज बच्चे से एक्स्ट्रा बच्चे में लेके जाते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये मैकेनिज्म बेस है और ये ही आपको भीड़ से अलग करेंगे। देखिएगा जरा,